हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर पावर ट्रांसमिशन कि कैसे अपन पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर वो मैकेनिकल एनर्जी हो। ठीक है, मैकेनिकल पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक कैसे भेजा जा सकता है। आपने किया था लास्ट टॉपिक किया था गियर। ठीक है, गियर के बारे में पढ़ा था कि गियर होते क्या हैं और गियर की मदद से कैसे पावर ट्रांसमिट होती है, वो आप आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गियर ड्राइव, जो गियर ट्रेन है, गियर ट्रेन क्या होती है, गियर्स को एक से ज्यादा गियर्स को जोड़ के एक पावर से एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करना। ठीक है, गियर ट्रेन मतलब एक से ज्यादा गियर्स यूज करके, ठीक है, उसको एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करना। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गियर ऑफ गियर। ठीक है, गियर्स का कॉम्बिनेशन होता है यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ गियर यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, गियर ट्रेन कहलाती है। ठीक है, इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ट्रेन को कौन कौन से गियर ट्रेन के टाइप होते हैं, कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो गियर ट्रेन जो होती हैं, सबसे पहली होती है आपकी सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, दूसरी होती है कंबाइंड, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कंपाउंड गियर ट्रेन। गियर ट्रेन, ठीक है, कंपाउंड गियर ट्रेन। नेक्स्ट होती है रिवर्टेड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, और फोर्थ होती है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ये चार टाइप की होती हैं, चारों आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले सिंपल गियर ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सिंपल गियर ट्रेन होती क्या है, सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन कौन सी होती है, ठीक है, द गियर ट्रेन इन विच देयर इज ओनली वन गियर ईच शाफ्ट। Is known as simple gear train, is known as
सिंपल गियर ट्रेन। अगर कहते कि एक किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर जहां पे अपने पावर ट्रांसमिट करनी है, अगर उसके अंदर एक गियर एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर है, ठीक है, अगर वहां पे द गियर ट्रेन इन विच देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल गियर ट्रेन बोलेंगे। लाइक यहां पे मैंने एक शाफ्ट है, ठीक है, इस शाफ्ट से मुझे पावर ट्रांसमिट करनी है टू अनदर शाफ्ट लाइक दिस, ठीक है। अब ये थोड़ी सी दूरी पे है और मुझे चाहिए क्या कि जिस डायरेक्शन में ये शाफ्ट घूम रही है उसी डायरेक्शन में वो वाली शाफ्ट घूमे, जिस डायरेक्शन में ये वाली शाफ्ट घूम रही है, अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रही है तो इस शाफ्ट को भी उसी डायरेक्शन में घूमना चाहिए, ये मेरी इसके अंदर कंडीशन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, अगर मैं सिंपल इसको सीधा शाफ्ट के साथ गियर के साथ जोड़ देता, ठीक है, तो क्या होता, ये शाफ्ट अगर सीधा यहां पे एक गियर लगाता और यहां पे एक गियर लगाता, दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज वो कर देता, ठीक है, इंटरैक्ट कर देता, फिर क्या होता, ये अगर इस तरफ घूमती तो उल्टी डायरेक्शन में घूमती, लेकिन मुझे इसको भी इसी डायरेक्शन में घुमाना है, तो मैं क्या करूंगा, बीच में एक इंटरमीडिएट एक आइडलर लगा दूंगा, एक सिंपल गियर लगा दूंगा जो कि इसको सेम डायरेक्शन में घुमाए, ठीक है। तो यहां पे इसका गियर है, ये इसका गियर है, ठीक है, इसके ऊपर एक गियर फिट कर दिया मैंने, और यहां पे एक इसके ऊपर गियर फिट कर दिया। अभी ये दोनों दूर दूर हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के अंदर मैश में नहीं आए, जब तक ये एक दूसरे के साथ मैश नहीं करते तब तक ये पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते, जब तक टीथ ऑफ दिस गियर इज नॉट मैश्ड विद टीथ ऑफ दिस गियर इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड द पावर, ठीक है, तब तक पावर को ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। तो यहां पे क्या करूंगा, मैं एक इंटरमीडिएट एक अलग गियर यूज करूंगा यहां पे, अब ये दोनों गियर आपस में टच में नहीं है, यहां पे क्या करूंगा एक छोटा गियर और ऐड कर दूंगा इसके अंदर, छोटी शाफ्ट लगा के जो शाफ्ट बिल्कुल फ्री है उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, उसका काम जस्ट पावर को ट्रांसफर करना है और गियर को सेम डायरेक्शन में घुमाना, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पे मैंने एक और गियर लगा दिया, फिट कर दिया, इस गियर का काम क्या है, पावर को इस गियर से लेके उस गियर को भेजना, ठीक है, ये ड्राइवर है वो ड्रिवन है, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट का आइडलर गियर है जो कि जैसे ये घूम रहा है वैसे ही इसके साथ ये मैश में है, तो ये इसके साथ घूम रहा है और ये फिर से उसको घुमा रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो ये वाली शाफ्ट उससे उल्टी डायरेक्शन में घूमेगी, मतलब ये इस डायरेक्शन में घूमेगी, अगर ये इस डायरेक्शन में घूमेगी तो ये फिर से इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगी, मतलब ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं इस इंटरमीडिएट गियर के कारण, इंटरमैश गियर के कारण। अब ध्यान दो पूरे सिस्टम के अंदर एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर है, ये एक शाफ्ट है इसके ऊपर एक गियर है, ये एक आइडलर गियर है इसके ऊपर भी एक ही गियर है, आइडलर शाफ्ट के ऊपर भी एक ही गियर है, और ये ड्राइवर है ड्रिवन है सॉरी इसके ऊपर भी एक ही गियर है, मतलब कि पूरी गियर ट्रेन के अंदर एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर है, तो ये कौन सी है, सिंपल गियर ट्रेन है आपकी, ठीक है। इसके अंदर अगर रेशियो चेंज करनी है, अगर एक गियर की स्पीड बढ़ानी या कम करनी है तो कैसे किया जा सकता है, ड्राइवर को जितना बड़ा करते जाओगे ड्राइवर को, ठीक है, ये ड्राइवर है, ड्राइवर को जितना बड़ा करते जाओगे गियर को और ड्रिवन को जितना छोटा करते जाओगे उतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी,
ड्रिवन गियर जितना छोटा होगा ड्राइवर गियर जितना बड़ा होगा ठीक है उतना ही स्पीड बढ़ती जाएगी, ये ड्रिवन है। अगर आपको बाय चांस कह दें कि ड्राइवर गियर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी तो स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो जो ड्रिवन गियर है उसको छोटा करना पड़ेगा ठीक है। ड्रिवन गियर को जितना छोटा करते जाओगे पावर सॉरी जो रोटेशन है उसकी उतनी ही बढ़ती जाएगी। रोटेशन बढ़ानी है स्पीड बढ़ानी है तो कम करनी पड़ेगी, अगर पावर बढ़ानी है तो इसको गियर को बड़ा होना होगा। ध्यान देना इसके पीछे भी एक रीजन है, जब आप बाइक चलाते हो तब आपने देखा होगा आप छोटा गियर कब डालते हो, छोटा गियर मतलब कि जिसके अंदर कम स्पीड हो। कम स्पीड किसके अंदर होगी, जिसके अंदर ड्रिवन के अंदर बड़ी पुली होगी, तो वो गियर कब डालते हो, जब आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपको पावर तो ज्यादा चाहिए ठीक है स्पीड कम चाहिए। मतलब कि आप किसी मिट्टी वाले रास्ते में जा रहे हो, बाइक दस गया है, फोर्थ गियर में डाल के उसको नहीं चलाया जा सकता, तब आप बड़ा फर्स्ट गियर डालते हो आप ठीक है। फर्स्ट गियर के अंदर क्या होता है, जो ड्राइवर पुली होती है वो तो बड़ी हो जाती है ड्राइवर गियर, तो ड्रिवन गियर सॉरी ड्राइवर तो छोटा हो जाता है और ड्रिवन बड़ा हो जाता है ठीक है, जिसके कारण वहां पे चक्कर कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ रोटेशन अगर कम होंगे, आरपीएम अगर कम होगा तो पावर बढ़ जाएगी ठीक है। अगर जो आरपीएम होता है वो पावर को ही जब आप कंज्यूम कर लेते हैं उसके रोटेशन में, तब वो पावर कम हो जाती है और रोटेशन बढ़ जाती है ठीक है। उसी पावर को मैंने कंज्यूम कर लिया टू मेक द स्पीड ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल गियर ट्रेन ठीक है। सिंपल गियर ट्रेन के बारे में आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कंपाउंड गियर ट्रेन ठीक है। कंपाउंड गियर ट्रेन इसके अंदर क्या होता है, कहते हैं कि अगर गियर ट्रेन के अंदर किसी भी एक शाफ्ट के ऊपर ठीक है या किसी एक से ज्यादा शाफ्ट के ऊपर ठीक है एक से ज्यादा गियर हो, व्हेन देयर इज मोर देन वन गियर ऑन ए शाफ्ट इन गियर ड्राइव इन गियर ट्रेन दिस इज नोन एज कंपाउंड गियर ट्रेन। अगर कहते एक से ज्यादा गियर हो, किसी भी एक शाफ्ट के ऊपर हो चाहे एक से ज्यादा शाफ्ट के ऊपर हो, अगर एक से ज्यादा गियर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंपाउंड गियर ट्रेन बोलेंगे ठीक है। जैसे ध्यान देना आप यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने ये कनेक्ट किया ठीक है, यहां पे पावर ट्रांसमिट होनी स्टार्ट होगी। एक गियर था सिंपल, एक शाफ्ट थी, शाफ्ट के साथ एक गियर अटैच कर दिया ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी शाफ्ट के ऊपर एक और गियर फिट कर दिया नीचे ठीक है, इसी के ऊपर एक और गियर फिट कर दिया ये गियर बड़ा है पहले वाले से, पहले वाला तो छोटा गियर था ठीक है इतना ही था, अब ये बड़ा गियर है। क्या सेम ही शाफ्ट है ऊपर से नीचे तक, इसके ऊपर एक बड़ा गियर डाल दिया, अब इसको कनेक्ट करवा दिया किसी ना किसी और शाफ्ट के साथ। और जो गियर जो होते हैं ना ये सेम साइज के होते हैं, मैं इनको छोटा बड़ा कर रहा हूं, यहां पे भी मैंने थोड़ा सा छोटा किया है
ताकि आपको पता चले कि यहां से सेकंड गियर स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज गियर की जो उसकी थिकनेस होती है, उसकी जो विड्थ होती है, वो सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपने एग्जाम में बनाना है तो सेम साइज का बनाना है। ठीक है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से सेकंड गियर स्टार्ट हो रहा है। आप इसको ऐसा करने के लिए आप किसी ना किसी अलग कलर की पेंसिल का यूज कर सकते हो। ठीक है, कि वहां से सेकंड गियर शुरू हो रहा है। आप ध्यान देना, यहाँ पे वही गियर ट्रेन है। ठीक है, वही दो शाफ्ट हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे, ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है। ड्रिवन इस बार पावर को सेम ट्रांसमिट होना है। ठीक है, पावर को यहां से वहां तक जाना है, लेकिन इस बार क्या हुआ, मैंने एक शाफ्ट के ऊपर दो गियर डाल दिए। यहाँ पे एक गियर डाल दिया, उसका साइज छोटा है इससे, और एक यहाँ पे डाल दिया, उसका साइज इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद एक फिर से गियर डाल दिया ड्राइवर वाला। ठीक है, ड्रिवन वाला ये उससे छोटा है। क्यों किया ऐसा मैंने, अगर अपने पास स्पेस कम है और अपने को नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो ज्यादा बढ़ाने हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर 10 चक्कर हैं, ठीक है, और यहाँ पे मुझे 50 चक्कर करने हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा रेशो चाहिए। ठीक है, उसके लिए अपने को क्या यूज करना पड़ता है, कंपाउंड गियर ट्रेन यूज करनी पड़ती है। अगर इतने चक्कर वैसे सिंपल गियर ट्रेन में यूज करने पड़ते, फिर से बड़ा गियर डालो, फिर से छोटा गियर डालो, मतलब कि बहुत सारे गियर डालने पड़ते हैं, और इसमें एक ही जो कंपाउंड गियर डालने से ये काम हो गया। कैसे हुआ, ध्यान देना, अब मान लो ये जो था ये इससे दो गुना बड़ा था। ठीक है, ये छोटा गियर है, ये इससे आधा है, तो इसे दो गुना स्पीड पर रोटेट होगा। ठीक है, अगर ये बड़े वाला गियर जो है इसका डायमीटर और ये छोटे वाला गियर है इसका डायमीटर, ये छोटे वाला डायमीटर का दो गुना है ये बड़े वाला डायमीटर, हाफ है ये वाला, छोटा है हाफ, आधा है। ठीक है, तो ये दो गुना चक्रों पर घूमेगा, मतलब 2x स्पीड हो जाएगी इसकी। ठीक है, दो गुना स्पीड होने के बाद ये शाफ्ट इसके साथ अटैच है, तो शाफ्ट भी दो गुना स्पीड के साथ घूमेगी, तो ये नीचे वाला गियर भी उसके साथ अटैच है। ठीक है, ये सारी जो शाफ्ट प्लस दोनों गियर एक ही स्पीड पर घूमेंगे, इस गियर से दो गुना ज्यादा स्पीड। उसके बाद फिर से मैंने क्या किया, इसको बड़ा गियर बना दिया है। ठीक है, इसका साइज जो है इससे दो गुना है फिर से। ठीक है, दो गुना है, इट मींस ये फिर से बहुत बड़ा है इसे, तो ये जो गियर जे शाफ्ट जितने पे घूमेगी और ये शाफ्ट, ये इस शाफ्ट से दो गुना घूमेगी, 2x। ठीक है, इसकी स्पीड इस स्पीड से दो गुना है, क्योंकि इसका साइज हाफ है इस गियर से। ये कितनी भी हो सकती है रेशियो, ये जनरल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका हाफ है, हो सकता है कि कितनी रेशियो दे दे, टीथ के अंदर डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ टीथ, टीथ वन गियर के ऊपर कितने है, टीथ के बीच में पिच जो होती है वो हमेशा सेम होती है, लेकिन टीथ के बीच में डिस्टेंस कितना है, फर्क कितना है। ठीक है, वो आपको कितने नंबर ऑफ टीथ का कितना डिफरेंस है, उससे आपको सारी ये निकल आएगी इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ पे अगर ये वाली शाफ्ट अगर 10 चक्कर घूम रही है, तो ये गियर उससे आता है, मतलब कि दो गुना चक्करों पर घूमेगा, मतलब 20 चक्कर हो गए, 20 चक्करों पर घूम रही है ये वाली शाफ्ट, क्योंकि ये उससे आधे साइज का है, तो ये भी 20 चक्करों पर घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड है, और ये जो है फिर से इससे आता है, मतलब कि दो गुना चक्करों पर फिर से घूम रहा है, इट मींस यहाँ पे चक्कर कितने हो गए, 40। अगर मैं इसको 10 बार घुमाया, ठीक है, तो ये 20 बार घूमी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में 20 बार घूमी, तो ये उल्टी डायरेक्शन में फिर से 40 बार घूमी, मतलब कि 4 गुना वो आरपीएम बढ़ गई सिर्फ एक कंपाउंड गियर यूज करने पर। ठीक है, इसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, अगर इसको 3x कर देते और ज्यादा छोटा कर देते, 3 गुना छोटा कर देते, तो 3 गुना ज्यादा चक्कर आते। ठीक है, ऐसे करके आप इसको गियर ट्रेन को यूज कर सकते हैं। ये उसका एग्जांपल कि आपने देख लिया ये वाला। ठीक है, ये है उसका एग्जांपल। नेक्स्ट है रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन ठीक है,
रिवर्टेड गियर ट्रेन कौन सी होती है? जब आपने पावर को इसी शाफ्ट को, इसके सामने एक और शाफ्ट है ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है, इसकी एक्सिस में ही है ठीक है। मान लो ये इसकी एक्सिस है ठीक है, इसकी एक्सिस पे ही एक और शाफ्ट है यहां पे, बस इससे थोड़ी सी दूरी पर है, जस्ट गैप है, बीच में स्पेस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या आपको क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो ये दोनों शाफ्ट हैं, इनको अपन ही क्या करना है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करना है, बस इस शाफ्ट को अगर ये इस तरफ घूम रही है ठीक है, इस शाफ्ट को उससे उल्टी डायरेक्शन में घुमाना है, बस इतना सा काम है कि ये जो शाफ्ट है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। इन दोनों को अगर मैं आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं तो ये ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो ये उल्टी डायरेक्शन में इसके साथ ही घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं ठीक है। तो कैसे वर्क करेगी ये, कैसे बनेगी ये ट्रेन? अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्टेड गियर ट्रेन बनानी पड़ेगी, इसके ऊपर सेम सारी सेम चक्कर, अपन ने रोटेशन के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं करना है और किसी चीज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं करना है, जस्ट इसकी रोटेशन उल्टी करनी है बस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सेम साइज का गियर मैंने इसके ऊपर लगा दिया, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, सेम साइज का गियर जितना ये था उतना ही मैंने इसके ऊपर लगा दिया ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक साइड में शाफ्ट और लेंगे इसके, बेयरिंग लगा के इसको यहां पे अटैच कर देंगे फ्रेम के साथ। फ्रेम क्या होता है, फिक्स्ड लिंक होता है किसी भी बॉडी का ठीक है, किसी भी कार, गाड़ी, जीप, मशीन, किसी भी चीज का ठीक है। यहां पे आप फिट कर देंगे दो गियर्स जो कि इनके साथ मैश में है, सेम थिकनेस के होंगे, मैंने छोटा बनाया जस्ट आपको समझाने के लिए ठीक है। आपने जब पेपर में बनाना है तो सेम साइज के बनाने हैं, बस कलर अलग कर देना इस गियर का ताकि आपको एग्जामिनर को समझ आए कि आपने सेम साइज का गियर यूज किया है ठीक है। अब यहाँ पे ये गियर इसके साथ अटैच कर दिया, मैश कर दिया ठीक है, अटैच नहीं मैश कर दिया, मैश में होगा ये, इसके टीथ उसके अंदर मैश में होंगे और ये गियर इसके ऊपर मैश में कर दिया। ये दोनों गियर हो गए अटैच इसके साथ। अब ये कैसे वर्क करेगा ध्यान देना, अगर ये इस रोटेशन में घूम रहा है ठीक है, अगर ये इस रोटेशन में घूम रहा है तो ये इसको उल्टी डायरेक्शन में घुमा देगा ठीक है, समझ रहे हो? आपने इसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाना हो ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में घुमाना हो फिर तो आपने क्या करना है, यहां पर एक छोटा गियर और एड कर देना है बस ठीक है। यहां पे क्या करना है, एक छोटा गियर ऐड कर देना है बीच में, जस्ट छोटा सा ठीक है, जिसके कारण क्या होगा ये उल्टी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगी ठीक है। यहां पे एक छोटा गियर ऐड कर दिया और अब क्या होगा ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ठीक है। आप इससे क्या क्या कर सकते हो इस वाली गियर ट्रेन से ठीक है, रिवर्टेड गियर ट्रेन से एक छोटा गियर ऐड कर दिया, अब जब ये इस डायरेक्शन में घूमेगी तो ये उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, ये वाला गियर उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा तो ये भी इसी डायरेक्शन में घूमेगा ठीक
ठीक है, ये जो छोटा गियर आपने इसके अंदर ऐड किया, ये इससे उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, और ये फिर से उससे उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, होगी रिवर्ट, उल्टी होगी, सॉरी उल्टी डायरेक्शन में घुमाने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं इससे आपका, अगर स्पीड का डिफरेंस डालना हो, ठीक है, डायरेक्ट यहां से यहां तक पावर आ रही थी, इस शाफ्ट से इस शाफ्ट तक पावर आ रही थी, और आपको क्या करना हो कि इस पावर को, सॉरी इस आरपीएम को बढ़ाना है, लेकिन शाफ्ट जो है वो एक्सिस के ऊपर ही रहनी चाहिए, मतलब कि इस शाफ्ट से इस शाफ्ट के अंदर पावर आनी चाहिए, लेकिन रोटेशन उसकी कम ज्यादा हो जाए, तो आप क्या करोगे, ये वाला गियर जो है उसको बड़ा डाल दोगे यहां तक, इधर से भी बड़ा गियर, ठीक है, ये हो गया बड़ा गियर, और इसको कर दोगे छोटा, ये छोटा रह गया, ठीक है, ये गियर छोटा डाल दिया आपने, उसके बाद ये वाला गियर फिर से बड़ा, ठीक है, और ये वाला गियर फिर से छोटा डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान देना कि जब ये बड़ा गियर घूम रहा है, ठीक है, इससे ये तीन चार गुना ज्यादा तेज चक्रों पर घूम रहा है, और इससे ये बड़े वाला गियर जो है वो फिर से उतने ही चक्रों पर घूम रहा है जितने ये चक्रों पर घूम रहा है, और ये छोटा गियर है ये उससे फिर तीन चार गुना, मतलब कि अगर ये वाला गियर जो है, ये वाला गियर इससे तीन गुना छोटा है तो ये तीन गुना ज्यादा घूमेगा, और अगर ये वाला गियर इस गियर से तीन गुना बड़ा है तो ये वाला गियर इससे तीन गुना ज्यादा घूमेगा, मतलब टोटल कितना, छह गुना ज्यादा रोटेशन इसकी आ जाएगी, छह गुना ज्यादा ही चक्रों पर घूमेगा, ठीक है, आरपीएम इसकी छह गुना बढ़ जाएगी, ऐसे करके आप इसे वर्क करवा सकते हो। ये थी रिवर्टेड गियर ट्रेन। देन द एक्सिस ऑफ लास्ट गियर व्हील कोइंसाइड द गियर ट्रेन। व्हेन द एक्सिस ऑफ फर्स्ट गियर एंड लास्ट गियर आर इन सेम एक्सिस, व्हेन फर्स्ट गियर एंड लास्ट गियर आर इन एक्सिस, इट इज नोन एज रिवर्टेड गियर ट्रेन। जब फर्स्ट गियर एंड लास्ट गियर, ये फर्स्ट गियर है, ये लास्ट गियर है, ठीक है, गियर फोर, ये दोनों गियर जब दोनों के एक्सिस जो है वो एक ही हो, तब आप कौन सी यूज करते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।